इमरजेंसी में मोदी जी जब आते थे, अंडरग्राउंड थे, उनके ऊपर पूरे गुजरात का अंडरग्राउंड एक्टिविटी की जिम्मेदारी थी। लोक संघर्ष समिति बनी थी। कई बार वो साधु के वेश में भी एक बार आए थे, एक बार सामान्य नागरिक के वेश में आए थे, एक बार सरदार जी के वेश में आए थे। साधु के वेश में कोई संत ने हमको ये पत्रिका दिया है और पहुंचाना है सबको, तो इस तरह से हम लोगों ने उसको बंटवारा करके काम किया था। जब पुलिस हमारे पास आई तो भाई ये पत्रिका कौन से आई, तो हमने उनको बोला था कि भाई ये तो हमको कोई संत दे के गया है। बाद में मालूम पड़ा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी ही थे। एक बार उनको ऑटो रिक्शा वाला सरदार जी मिल गया था और वो पंजाबी में बात करना शुरू कर दिया था उसने तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी। बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई मैं बचपन से गुजरात में रहता हूँ तो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। वो सरदार जी के वेश में बाहर निकल रहे थे और सामने से पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाले ने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे नरेंद्र भाई कहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है, आप अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहते हैं। पुलिस व्यवस्था में थी तो नरेंद्र भाई स्कूटर पे हमारे आगे थे अकेले, और पीछे मैं, नाना जी, नाथा काका, वसंतराव वकील साहब, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, तो साहब ने भी पुलिस देखी है, हम सब ने पुलिस देखी, तो हम सब घबरा गए कि क्या होगा, ये नरेंद्र भाई आगे आगे जा रहे हैं और कुछ होगा। तो सबसे मैं घबराहट में था कि मेरे क्षेत्र में सब गिरफ्तार हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग। जैसे जैसे साहब जा रहे थे वैसे मेरी धड़कन बढ़ रही थी, मगर बॉडी लैंग्वेज में चेंज बिना सहज भाव से स्कूटर पर निकल गए। तय हुआ था लेफ्ट जाने का, मगर उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं राइट को जा रहा हूँ, आप लेफ्ट को जाइए। एक बार उन्होंने बोला कि हमें पूरा सर जगह पे पोस्टर बैनर्स लिखना है, वॉल पे स्लोगन्स लिखना है कि इमरजेंसी हटाओ, जयप्रकाश नारायण जी को मुक्त करो, तो ऐसा करिए स्टेंसिल बना लेते। तो हमने एक स्टेंसिल बनाई स्टील के प्लेट की, जिसमें सब स्लोगन्स लिखे हुए थे कट करके, और उसके बाद दीवार पे लगाओ और वो कलर मार दो तो पीछे स्लोगन प्रिंट हो जाते हैं। भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद, और देश भर में भेजना और वितरण करने की जिम्मेदारी मोदी जी की। परिवार के जो मुखिया है या लड़के हैं वो अगर जेल में गए हैं तो उनके परिवारों की चिंता करना, वो चिंता का भी करने का काम ही नरेंद्र भाई करते थे। इमरजेंसी के दौरान हमको पता था कि नरेंद्र भाई को हम लोग बटुक भाई के नाम से जानते थे। बहुत कम लोग थे जो नरेंद्र भाई को बटुक भाई नाम है ऐसा पता था। बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखा संघर्ष में गुजरात करके, वो पुस्तक लिखने के लिए उन्होंने एक महीने तक सिर्फ भाजी खाई थी। छोटे छोटे कार्यकर्ता ने भी क्या किया है, तो वो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कुछ छूट ना जाए और कुछ गलत ना लिखना।